हिमाचल विधानसभा के बाहर राज्यपाल के साथ हुए प्रकरण पर जिला सोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व राज्यपाल से मांग की कि वह अपने नाम का प्रयोग न होने दें, वह ऐसी सरकार को अपने दम पर बातचीत करने दें। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा सरकार वार्तालाप से बचने के लिए गवर्नर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि लोकतंत्र में भाजपा को अपनी पूरी बात रखनी चाहिए। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह राज्यपाल को इस मामले में घसीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को चाहिए कि वह अपने नाम का प्रयोग ना होने दें। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब करीब 1.5 वर्ष बचा है, उसके बाद इस तानाशाही सरकार को घर बैठना है, इसलिए सरकार लोकतंत्र के हित को बचाने के लिए कार्य करें। कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री से निकाल देंगे, क्योंकि सदन में जिस तरह का वो हमले पे हमला करते रहते हैं, उस हमले से बचने के लिए जिस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री ने एक रणनीति के तहत जो है वो गवर्नर का नाम इस्तेमाल करके हमारे विधायकों को जो है वो सदन से बाहर निकाला, हम इसकी निंदा करते हैं और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इस तरह की राजनीति में ना फंसें और हमारे जो विधायक हैं जिनका उनका निलंबन तत्काल जो है वापस लिया जाए। और एक लोकतंत्र की जो प्रणाली है, लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष और पक्ष के सहयोग से सरकारें चलती है, पक्ष और विपक्ष के सहयोग से विधानसभा चलती है, पक्ष और विपक्ष के सहयोग से लोकसभा चलती है, इस तरह का माहौल यहाँ भी बनाने की पैदा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि सत्ता तो आती जाती है, 1 साल 4 महीने 5 महीने का वक्त अब बाकी रह गया है, अपने हालात सुधार लें, नहीं तो जिस तरह की वो बातें करते हैं कि जमीन में गाड़ देंगे, जिस तरह गुंडागर्दी की वो भाषा बोलते हैं, उनको अपनी भाषा में सुधार लाना चाहिए, नहीं तो हिमाचल प्रदेश की जनता जो है उनको गाड़ के ही दम लेगी। पीएलटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।